नासिक पुलिस ने डॉग स्पाइक को दी शानदार विदाई, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किया सलाम। दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस के नासिक बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड के खास सदस्य स्निफर डॉग स्पाइक रिटायर हो गए हैं। एक दशक तक विभाग के साथ काम करने वाले स्पाइक को दी गई शानदार विदाई। उन्हें गाड़ी के बोनट पर बैठाकर दफ्तर के बाहर ले जाया गया। डॉग के रिटायरमेंट से पूरा विभाग भावुक हो गया। इतना ही नहीं, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर बधाई दी है स्पाइक को। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को पसंद करें तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लैब्राडोर स्पाइक, जिसकी उम्र 11 साल थी, वो रिटायर हुआ है। उसे नासिक पुलिस से रिटायर किया गया है। 1 साल की उम्र में उसे सेवा में शामिल किया गया था। स्पाइक ने शानदार 10 सालों तक पुलिस की खोजी अभियानों में जाकर जमकर मदद की है। फेयरवेल के दौरान स्पाइक को सजी हुई गाड़ी के बोनट पर बिठाकर शान से विदा किया गया। BDDS इस गाड़ी का इस्तेमाल आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल करता है। अंग्रेजी एक खबर के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर विजय शिंदे ने बताया कि ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब आधिकारिक रूप से सेवा से रिटायर किया गया स्पाइक को। चाहे कुंभ का मेला हो, VIP दौरा हो, विभाग को जहां भी ले जाते थे, इसको ले जाया जाता था, हम इसके योगदान को जारी रखेंगे, याद करना। अनिल देशमुख ने भी स्पाइक के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने लिखा कि 11 साल की मेधावी सेवा के बाद रिटायर होने वाले विस्फोटकों का पता लगाने वाले, योगदान देने वाले